पूनम सुश्री 24 में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बना रहे हैं बिहार झारखंड का फेमस स्ट्रीट फूड चना दाल का कचरी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्पाइसी लगता है और मन भी फ्रेश हो जाता है। और ये मार्केट में इजी वे में बहुत ही अच्छे से हमें मिल जाता है और जगह जगह पे रोड पे। तो आज हम यही बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कचरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चना का दाल, जिसे हम देखिए 3 से 4 घंटा के लिए हम इसे पानी में भिंगो दिए थे और ये बढ़िया से फूल गया है। तो इसका पानी हम स्ट्रेन करके हटा दिए हैं, इसका पानी हम छान दिए हैं बढ़िया से और इसे अब बिना पानी के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम देखिए चना दाल, 2 कटोरी चना दाल हम लिए हैं, तो इसे हम आराम से इसमें डाल देंगे। बिना पानी का हमें इसे ग्राइंड करना है। तो ये देखिए चना दाल हमारा पिस गया है बहुत ही बढ़िया से। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है, तो आप 3 से 4 ड्रॉप पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालना नहीं है, आप ऐसे ही पिस जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया, देखिए गिर नहीं रहा है चम्मच में से। तो इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए और थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट भी नहीं होना चाहिए। देखिए हम इसे इस पेस्ट को हम निकाल लिए हैं एक बर्तन में अलग से। अब हम इसे मिक्स करेंगे कटा हुआ हरा मिर्च, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, वैसे इसमें स्पाइसी अच्छा लगता है। थोड़ा सा कलौंजी यानी मंगरेला डालेंगे, बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसे हम लोग बना रहे हैं, जैसे ठेले पे लोग बेचते हैं मार्केट में जैसे मिलता है। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, क्रश करके हम रखे हुए हैं। थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ा सा 4 से 5 कली लहसुन, इसे भी ग्रेट कर लिए हैं। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट अगर हम लोग बना के डालेंगे तो मिक्सचर हमारा गीला होने का ये चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम ग्रेट करके ही डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ती भी आराम से काट करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा मसाला पाउडर डालेंगे, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और चुटकी से भी कम तीखा लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। सभी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, पहले हम नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज से पानी छोड़ता है। तो जब सभी चीज़ें मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें प्याज काटेंगे, बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज ले लिए हैं और उसे महीन काट लेंगे और उसे इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए बढ़िया से। और देखिए हम हाथों की हेल्प से इस तरह से छोटा छोटा पीसे, छोटा छोटा बॉल उसमें हम डालेंगे। तो देखिए हम डाल रहे हैं इस तरह से, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखिए ये आराम से कढ़ाई छोड़ दिया है, बहुत ही तेल गर्म रहेगा तो बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई होगा और अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाएगा। तो हम लोग इसे फ्राई करके निकाल देंगे और जब भी हम इसमें पेस्ट डालेंगे पकौड़ी का कचरी का तो साइड से डालेंगे, नहीं तो इसका छींटा पड़ेगा। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बना है हमारा कचरी। तो इसी तरह से हम सारे पैसेज को फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी फ्राई हो गया है बढ़िया से और अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर दीजिए। चना दाल का कचरी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बना है, आप देख रहे हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि फ्राई किया हुआ मिर्चा, करी पत्ता भी आप डाल दिए तो मिर्चा भी हम इसमें डाल देंगे,
क्योंकि इसमें सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें जो मसाला हम लोग डालते हैं जीरा, भुना जीरा वाला, वो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा काला नमक डाल करके क्या हुआ। और ये मिक्सर वाला नमक बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके साथ में आप धनिया लहसुन मिर्चा का जो हम लोग बनाते हैं चटनी स्पाइसी, तो ये स्पाइसी चटनी है धनिया पत्ता वाला, और ये सॉस है। और इसके साथ आप दही या फिर किसी भी चीज़ के साथ आप इसे इंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं सिर्फ एक चटनी के साथ, या फिर ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कैसा लगा हमारी रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।